तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम सीखेंगे किस तरह से आप अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर पर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना जरूरी है, ताकि आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड आ जाएगा। ओटीपी कोड आ जाने के बाद आपको ओटीपी कोड उस एप्लीकेशन के अंदर डालना होगा, फिर आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो घूम गया होगा तो ये ट्रिक आपके मोबाइल में काम नहीं करेगी। अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर घूम गया है या आप उसको भूल गए हो तो आपको सिंपल सा आधार कार्ड के सेंटर में जाना होगा और जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको अपडेट करना होगा। उसके लिए आपको 100-200 रूपए चार्जेस लगेंगे, लेकिन आपका जो भी नया नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा। फिर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना जो आधार कार्ड का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले माय आधार एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसको प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपके प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ पर आधार सर्च करना होगा। उसके बाद एम आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, आपको इसके अंदर सबसे पहले पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पर हम बैक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें पासवर्ड बनाना होगा। याद रखना, जो भी आप पासवर्ड बनाओगे वो एटलीस्ट उसके अंदर वन नंबर, वन अल्फाबेट, वन स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है, तभी आप यहाँ पर पासवर्ड बना सकते। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका आधार कार्ड के ऊपर का नंबर है वो यहाँ पर डाल दो। जो नंबर है वो 12 डिजिट का होता है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ओटीपी आ चुका है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी के ऊपर आपको ओटीपी कोड आ जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है या जो लिंक नंबर था वो घूम गया है तो आपको आधार कार्ड सेंटर जाना होगा और आपका नया मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। तो उसके लिए आपको 100-150 रुपए चार्जेस लगते हैं, ज्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पर मेरा आधार कार्ड ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मुझे एंटर पासवर्ड डालना होगा। तो मैंने जो पासवर्ड बनाई थी स्टार्टिंग में वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा आधार कार्ड था वो यहाँ से ओपन हो चुका है। उसके बाद हम बैक व्यू पर करने के बाद आपका एड्रेस देख सकते हैं जो आधार कार्ड के ऊपर था, सारी चीजें यहाँ से हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आधार कार्ड आ चुका है, आप उसकी पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आपका आधार नंबर और उसको प्रेस करने के बाद आपका एड्रेस भी यहाँ पर शो होगा। उसके बाद यहाँ पर मेनू पर जाने के बाद बायोमेट्रिक सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने बायोमेट्रिक को इनेबल कर दिया तो आपका आधार कार्ड का मिस यूज कोई भी नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, बस इस एप्लीकेशन के अंदर इतना ही है। आप इस एप्लीकेशन के अंदर से आपके आधार कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।